कॉलेज के नियम कायदों के अनुरूप व्यवहार करने और अपने आदर्श स्थापना की शपथ नव निर्वाचित पदाधिकारियों ने ली। कार्यक्रम में दूधाधारी बजरंग गर्ल्स कॉलेज कालीबाड़ी की छात्राओं ने सक्रियता के साथ शपथ ग्रहण कार्यक्रम में भाग लिया। ये कार्यक्रम बुधवार को कॉलेज से सभागार में आयोजित किया गया। प्राचार्य रेखा पांडे ने पदाधिकारियों और 62 कक्षा प्रतिनिधियों को भी उनके पद अनुरूप व्यवहार करने की शपथ दिलाते हुए कहा कि छात्राओं को बेझिझक अपनी समस्याएं रखनी चाहिए। इसके लिए आपके बीच से चुने पदाधिकारी सहजता के साथ आपके साथ खड़े रहेंगे। छात्र संघ के सभी पदाधिकारियों और छात्रों को शुभकामनाएं। छात्र संघ अध्यक्ष मोनिका साहू ने अपने पदभार ग्रहण कार्यक्रम में साथी छात्रों को संबोधित करते हुए कहा, आपकी समस्याओं को जानना, उसे दूर करने का हर संभव प्रयास करना मेरा कर्तव्य होगा। अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण भाव रखूंगी। कार्यक्रम में कॉलेज स्टाफ और छात्र सम्मिलित हुए। पदाधिकारियों में अध्यक्ष मोनिका साहू, उपाध्यक्ष निखिलेश देवांगन, सचिव प्रीति कुशवाहा और सचिव नसरिन बानो ने शपथ ली। छात्र संघ समिति की प्रभारी डॉक्टर वैभव आचार्य के साथ डॉक्टर सरिता दुबे, डॉक्टर रिचर्ड टिकरीहा व डॉक्टर कल्पना मिश्रा समारोह में सक्रिय भागीदारी निभाई। आज हमारे कॉलेज में शासकीय दुर्गा महिला महाविद्यालय में छात्र संघ का शपथ ग्रहण समारोह हुआ और छात्र संघ की जितनी भी पदाधिकारी है उनका मनोनयन इस बार प्रावीण्यता के आधार पर किया गया। कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त छात्राएं जो थी कक्षा प्रतिनिधि पदाधिकारी में मनोनीत हुई। अध्यक्ष बनी कुमारी मोनिका साहू MSc थर्ड सेम फिजिक्स मैथ्स और उपाध्यक्ष हैं कुमारी निखिलेश देवांगन MSc फर्स्ट सेम फिजिक्स। सचिव हैं कुमारी प्रीति कुशवाहा BSc थर्ड ईयर मैथ्स। सह सचिव हैं नसरीन बानो BSc सेकेंड ईयर मैथ्स। इन सभी छात्राओं ने कक्षा प्रतिनिधियों ने आज छात्र सभी ने अपने पद की शपथ ली। मुझे इस दूधाधारी बजरंग महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय में अध्यक्ष पद के लिए मनोनीत किया गया है। मैं इस पद में रहते हुए अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं यहाँ महाविद्यालय के हित के लिए कार्य करूं और हम सब पदाधिकारी मिलकर सकारात्मक भूमिका निभाएंगे। और मैं अपने सभी प्राध्यापकगणों को धन्यवाद करूँगी कहना चाहूँगी और प्राचार्य मैम को विशेषकर धन्यवाद बोलूँगी कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ अध्यक्ष के लिए मनोनीत हुई। और मैं यहाँ की सभी छात्राओं की जो भी समस्याएं होंगी उसको पूरी तरह से सुनूंगी, उनके निराकरण के लिए पूरी कोशिश करूंगी और प्राचार्य मैम से हेल्प। महाविद्यालय के अध्यापकों को धन्यवाद करना चाहती हूँ। मुझे इस कार्य के लिए चुना गया है, मुझे इस कार्य के लिए वो चुने हैं और मैं अपने इस महाविद्यालय में जो भी हो सकती है छात्राओं के लिए, छात्राओं को जो भी जरूरत रहेगा हेल्प पूरी तरह से हेल्प करूँगी। इस महाविद्यालय का ऊँचे स्तर पर ले जाने की कोशिश करूँगी जो मेरे से हो जाएगा। और धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस पद के लिए मनोनीत किया और मैं इस पद को साथ में मतलब मैं इस पद में रहते हुए कॉलेज महाविद्यालय के हित में कार्य करूँगी और विकास में भी अपना योगदान। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.clips.in।